हे गाइस, कैसे आप लोग? आई एम श्योर कि आप लोग जो बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, आज का वीडियो काफी अमेजिंग होने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग वेब डेवलपमेंट के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं पूरी फुल डिटेल कवर करने वाला हूं कि आप अगर डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपके पास में फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहिए, बैक एंड डेवलपर बनना चाहिए, क्या स्कोप है, कितनी पेमेंट आपको मिलती है अगर आप एज अ एम्प्लॉय स्टार्ट करते हो तो आपकी सैलरी क्या होगी, अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप कितना अर्निंग कर सकते हैं, ये पूरी डिटेल जो है मैं आज के इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। सो गाइस, मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। सो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वेब डिजाइनिंग होता क्या है। सो वेब डिजाइनिंग की अगर बात करें तो वेब डिजाइनिंग आपकी उन वेबसाइट्स को बोला जाता है, क्योंकि आज की डेट में हर कोई ऑनलाइन रहना चाहता है और हर बिजनेस भी ऑनलाइन जाना चाहता है, तो हर कोई चाहता है कि उसकी एक वेबसाइट हो। और वेबसाइट जो लोग बना के देते हैं और उसके अंदर जो भी बिजनेस है उसकी इंफॉर्मेशन होती हैं, तो ऐसा डिजाइन करके जो वेबसाइट्स प्रोवाइड करते हैं उनको हम वेब डिजाइनर कहते हैं या वेब डेवलपर कहते हैं। अब वेब डिजाइनर किसको कहते हैं? वेब डिजाइनर उनको कहते हैं जो लोग फ्रंट एंड में काम करते हैं, यानी कि जो यूजर इंटरफेस पे यूआई पे काम करते हैं उनको हम लोग फ्रंट एंड डेवलपर कहते हैं। तो फ्रंट एंड डेवलपर के अंदर जो भी हम किसी भी कंपनी की कोई वेबसाइट या किसी भी बिजनेस की कोई वेबसाइट अगर हम ओपन करते हैं तो वहां पे जो भी हमें इंफॉर्मेशन दिख रही है, जो भी लेआउट्स दिख रहे हैं, जो भी ग्राफिक्स दिख रहे हैं, वो सारा आपका फ्रंट एंड डेवलपर के हाथ में आता है। और वहीं पे एक होता है आपका बैक एंड डेवलपर। बैक एंड डेवलपर किसको कहते हैं? जो लोग बैक एंड डेटाबेस के साथ में काम करते हैं, तो डेटाबेस के साथ में काम करने वालों को हम लोग बैक एंड डेवलपर कहते हैं। लेकिन कोई ऐसा पर्सन जिसको फ्रंट एंड के भी बारे में पूरा आता है, बैक एंड के भी बारे में पूरा आता है, तो वो एक फुल स्टैक वेब डेवलपर कहलाता है, यानी कि उसको दोनों टेक्नोलॉजी आती हैं। फ्रंट एंड के अंदर आपको जो है HTML5, CSS, बूटस्ट्रैप, वर्डप्रेस वगैरह के बारे में जानकारी चाहिए। बैक एंड की अगर हम बात करें तो वहां पे आपको MySQL, MongoDB, आपके पास में PHP और इस तरह की जो लैंग्वेजेस हैं और डेटाबेस हैं उनके साथ में काम करना आना चाहिए, दैट इज दी बैक एंड डेवलपर। सो यहां पर जो है हम बात कर लेते हैं अभी स्कोप की। तो स्कोप क्या है हमारे इस करियर की, इस वेब डेवलपमेंट के अंदर? तो वेब डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास अगर स्कोप की बात करी जाए तो स्कोप गाइस बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर कोई बिजनेस आज की डेट में ऑनलाइन प्रेजेंस उसकी होना जरूरी है, चाहे फिर वो एक किराने का स्टोर हो या कोई छोटा स्कूल हो या बड़ा स्कूल हो या कोई भी एक XYZ नया बिजनेस स्टार्टअप है, वो सबसे पहले अपनी एक वेबसाइट डिजाइन करवाता है और वेबसाइट को ऑनलाइन लाता है, सो दैट कि उसकी जो ऑनलाइन प्रेजेंस है वो बन सके। क्योंकि आज की डेट में कोई भी अगर किसी भी चीज को सर्च करता है उसके नियर बाय में या किसी दूसरे डेस्टिनेशन पे, तो सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाता है ऑनलाइन वेबसाइट्स को। ऑनलाइन वेबसाइट्स के जरिए आप हर बिजनेस की जो प्रेजेंस है वो ऑनलाइन आ जाती है, जिसकी वजह से उनकी जो स्केल है या उनका जो फुटफॉल है वो इंक्रीज हो जाता है। तो डेली बेसिस पे इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो करोड़ों डोमेन जो है वो डेली रजिस्टर किए जाते हैं, राइट? अगर आप लोगों को कोई डाउट है कि कितने रजिस्टर होते हैं तो आप गूगल पे जाके इस चीज को चेक भी कर सकते हैं। तो अब इतने सारे डोमेन अगर डेली बेसिस पे रजिस्टर हो रहे हैं तो डेफिनेटली उनका वेबसाइट्स भी डिजाइन करानी होगी। तो वेबसाइट डिजाइन कराने के लिए तो किसकी जरूरत पड़ेगी? जो लोग वेब डिजाइनिंग करते हैं या वेब डेवलपर्स हैं, राइट? उनकी जरूरत हो तो स्कोप, तो आई एम श्योर मुझे कुछ और बताने की जरूरत नहीं है, स्कोप के बारे में आपको पता चल गया होगा कि फ्यूचर इसके अंदर तो डेफिनेटली ब्राइट होने वाला, क्योंकि डेली बेसिस पे हजारों लाखों बिजनेस जो है ओपन हो रहे हैं और नई नई वेबसाइट्स भी अपनी डोमेन की रजिस्टर करते हैं, राइट? अब इसके बाद हम बात करते हैं सैलरी की। अगर आप किसी कंपनी की, अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर या फिर बैक एंड डेवलपर का काम करने के बाद, पूरा सीखने के बाद, अगर आप जो है सैलरी किसी कंपनी के साथ में ज्वाइन करते हैं एज अ एम्प्लॉई, तो आप अगर शुरुआत करते हैं आपके पास में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो अगर हम एक थोड़ा सा बेसिक सिटीज की बात करें जो कि मेट्रो सिटीज नहीं है, नॉन मेट्रो सिटीज की अगर हम बात करें, तो वहां पर आपको जो है 6000 से 8000 के आसपास कुछ मिल जाती है सैलरी। लेकिन अगर हम मेट्रो सिटीज की बात करें तो मेट्रो सिटीज हो गए तो वहां पर हमारे पास जो है करीब 12000 से लेके आपको जो है 20000-25000 तक आपको एज अ फ्रंट एंड डेवलपर मिल सकती है। अगर आपको बैकएंड डेवलपिंग का काम भी आता है तो अगर हम नॉन मेट्रो की बात करें तो वहां पर आपको जो है करीब 15 से 25
20,000 के बीच में जो है सैलरी मिल जाती है। अगर मेट्रोस की बात करें तो वहां पर हमें जो है करीब 25,000 से 45,000, और फिर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता जाता है वैसे वैसे आपकी जो सैलरी है वो बढ़ती चली जाती है। तो ये हो गई आपकी सैलरी की बात अगर आप एक एम्प्लॉई बन के जो है काम करते हैं। लेकिन अगर आप एक खुद का बिजनेस सेटअप करते हैं, एज अ फ्रीलांसर काम स्टार्ट करते हैं, तो डेफिनेटली आप किसी भी जो भी आपके नियर बाय में जितने भी आपके स्टोर वगैरह हैं जो नए बिजनेस ओपन हो रहे हैं आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर कोई स्कूल है जिनकी पहले से वेबसाइट्स हैं आप उनकी वेबसाइट्स को विजिट करो और देखो कि वहां पे क्या इश्यूज हैं उनके, किस तरह से आप उसको और ब्यूटिफाई कर सकते हो। ऐसा प्रपोजल लेकर जो है आप अगर उनके पास जाएंगे तो आपको रीडिजाइनिंग भी करने को मिल जाएगी। तो इस तरह से आप अपना जो बिजनेस है वो अपना जो फ्रीलांसिंग बिजनेस है उससे स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे आप अपनी टीम को बढ़ा सकते हैं और उसके बाद जो है आप एक बहुत बड़ा बिजनेस जो है वो स्टार्टअप अपने नियर बाय में भी अपने घर से स्टार्ट करके फिर बाद में जो है आप एक ऑफिस डेवलप करके वहां पर अपना बिजनेस पूरा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। सो गाइस ये है पूरा वेब डिजाइनिंग और वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड एक बेसिक इंफॉर्मेशन, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग करियर की शुरुआत करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप इस फील्ड के अंदर अपना करियर शुरुआत करना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही बेहतरीन फील्ड है, तो जिसके अंदर आप डेफिनेटली काम करके अपने करियर को काफी अच्छे मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। सो गाइस आई होप कि आप लोगों को जो है ये जो इंफॉर्मेशन दी है मैंने, हालांकि इसमें कोई ज्यादा इन डेप्थ डिटेल नहीं दी है, लेकिन जितनी भी डिटेल दी एक शुरुआत में आपको करियर गाइडेंस करने के लिए हिसाब से जो भी आपको डिटेल्स चाहिए वो मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल का आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।